खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम। डर बाहर की स्थिति के कारण नहीं होता, बल्कि सबकॉन्शियस का रिएक्शन है। मजे की बात यह है कि रिएक्शन को सबकॉन्शियस बदल नहीं सकता, क्योंकि इसके पास लॉजिक और रीजन की शक्ति नहीं होती। दोस्तों, इस वीडियो से सबकॉन्शियस की गहरी समझ मिलेगी और डर जैसे नेगेटिव इमोशंस को जड़ से मिटाने के लिए प्रैक्टिकल स्टेप्स मिलेंगे। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं कि 22 साल की उम्र में मुझे फायर डिपार्टमेंट में नौकरी मिल गई। मेरी नाइट शिफ्ट थी, यानी मुझे रात में सोने के पैसे मिल रहे थे। बहुत कंफर्टेबल जॉब था। कभी कभार अलार्म बजने पर हमें आग बुझाने जाना पड़ता, नहीं तो रात में 9 बजे आओ, साथी कर्मियों से बातें ठोको, थोड़ी देर टीवी देखो, फिर आराम से सो जाओ और सुबह 9 बजे घर चले जाओ। सुबह की कॉफी, नाश्ता और जिम भी ऑफिस में ही मिल जाते। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, मैंने जॉब के दौरान किसी को नहीं देखा जिसने अपनी मर्जी से जॉब छोड़ा हो। ये जॉब नहीं था, ये कंफर्ट जोन का शारीरिक स्वरूप था, लेकिन यहाँ कोई तरक्की और भविष्य नहीं था। सैलरी भी बहुत कम थी, फिर भी अधिकतर लोग रिटायरमेंट तक यहीं बने रहते। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, लेकिन मुझे अपनी जिंदगी में बहुत कुछ करना था, बहुत सपने थे मेरे अंदर, लेकिन मैं डरा हुआ था। इस कंफर्टेबल जॉब को छोड़ने के विचार से ही मुझे बहुत डर लगता। उस समय मेरी इनकम साल के $4,000 थी और मेरे ऊपर कर्ज $6,000 था। एक तरफ कर्ज का बोझ, दूसरी तरफ हमेशा लगता था कि यह जॉब छोड़ दिया तो पता नहीं भविष्य में क्या होगा। जब डर लगता तो मैं कुछ भी नहीं सोच पाता, शिथिल होकर एक ही जगह बैठा रह जाता। इस डर को समझने में मेरे मेंटर ने बहुत मदद की। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं, मैं जवानी के कई साल इस नॉलेज से अनभिज्ञ था। जब भी डर लगता तो मैं रास्ता बदल लेता। फिर मैंने अपने मन को और सबकॉन्शियस माइंड को स्टडी करना शुरू कर दिया। कुछ किताबें बार बार पढ़ी। जैसे जैसे मैं स्टडी करता गया, वैसे वैसे मेरी समझ पड़ी। एक बार मैंने डर को समझा कि ये क्या है, कहाँ से पैदा होता है, इस डर में सबकॉन्शियस का क्या रोल है, तो मैं डर को आसानी से पार कर गया। ठीक है दोस्तों, सबसे बेसिक सवाल से शुरू करते हैं, फिर प्रैक्टिकल सॉल्यूशन की बात करेंगे। डर क्या है? डर ऐसा अनरिसोर्सफुल मेंटल स्टेट है, ऐसी असमर्थ कर देने वाली मानसिक अवस्था है जहां आप चिंता करने के अलावा कुछ और नहीं कर पाते। कॉन्शियस माइंड के पास 5 रिसोर्सेज हैं, विल, इमेजिनेशन, परसेप्शन, मेमोरी और लॉजिक। लेकिन जब डर चिंता हावी होती है, तब हम सबकॉन्शियस माइंड के पास मौजूद रिसोर्सेज का उपयोग नहीं कर पाते। हम इनका प्रयोग करके अच्छे विचार नहीं चुन पाते, कोई सॉल्यूशन नहीं सोच पाते, नए भविष्य का निर्माण नहीं कर पाते। इसलिए डर एक अनरिसोर्सफुल मेंटल स्टेट है। डर क्यों पैदा होता है? डर परिस्थितियों के कारण पैदा नहीं होता, ये एक मानसिक प्रक्रिया है, सबकॉन्शियस माइंड का रिएक्शन है। आइए समझते हैं। जब जब इंसान कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश करता है या इस बारे में सोचता भी है, तब तब इंसान को डर का अनुभव होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कंफर्ट जोन हमारे सबकॉन्शियस में बैठे पैराडाइम से बनी है। पैराडाइम्स क्या है? वो सारी इंफॉर्मेशन या बिलीफ सिस्टम जो बचपन से हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बसे हुए हैं। बचपन में हमने जिन बातों को मासूमियत में यूं ही सच मान लिया, वो सब आज हमारे पैराडाइम्स हैं, जिस कारण हम अनजाने में एक तरह का नजरिया और बर्ताव करते हैं और चाहते हुए भी खुद को बदल नहीं पाते। जैसे आपके अवचेतन मन में बैठा हुआ है कि मेरे लिए पढ़ना कठिन है, तो आप चाहते हुए भी किताब नहीं खोल पाएंगे। हमारा व्यवहार और सोच हमेशा पैराडाइम्स के हिसाब से चलती है और हमें एहसास भी नहीं होता कि पैराडाइम्स हमको कंट्रोल कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिडिल क्लास लोगों के लिए बड़ी मात्रा में धन कमाना कठिन होता है, क्योंकि उनके दिमाग में बचपन से बैठा दिया जाता है कि ज्यादा पैसे कमाने वाले लालची होते हैं या ज्यादा पैसा आने से फैमिली लाइफ खराब हो जाती है। इस तरह बहुत सारे विचार और बिलीफ सिस्टम हम सबके अंदर बैठे हुए हैं, जो अनचाही आदतों और नजरिए के रूप में प्रकट होते हैं। इन्हीं अनचाही आदतों और सोच को कंफर्ट जोन कहते हैं। भले ही कंफर्ट जोन कितनी सीमित हो, सबकॉन्शियस कभी कंफर्ट जोन को तोड़ना नहीं चाहता। ऐसा क्यों है? हमको समझना होगा कि सबकॉन्शियस माइंड के पास रीजन और लॉजिक की शक्ति नहीं है। सबकॉन्शियस ये नहीं देख सकता कि ये बिलीफ सिस्टम मुझे सीमित कर रहे हैं, मुझे रोक रहे हैं या दुखी कर रहे हैं। इसलिए सबकॉन्शियस माइंड को बदलाव, ग्रोथ या डर पार करने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। डर कैसे मिटाते हैं? अंडरस्टैंडिंग से।
हम ये समझ चुके हैं कि डर का मतलब है कुछ ऐसा हो रहा है जो हमारे पुराने बिलीफ सिस्टम को पसंद नहीं है। हमको क्या करना चाहिए? बकमिंस्टर फुलर बहुत जरूरी बात कहते हैं कि बदलाव लाने के लिए एग्जिस्टिंग रियलिटी से मत लड़ो, बल्कि नई रियलिटी बनाओ जहां पुराना मॉडल बेकार हो जाए। इसका क्या मतलब है? बहुत गहरी बात है दोस्तों, ध्यान से समझिए। सबकॉन्शियस में बैठे नेगेटिव या पुराने बिलीफ सिस्टम से लड़ने के बजाय हमें सबकॉन्शियस को नए भविष्य के लिए प्रोग्राम करना है, जहां डर पैदा करने वाले पुराने बिलीफ सिस्टम या पैराडाइम्स का उपयोग ही ना हो। दोस्तों बहुत गहरी बात है, फिर से सुनिए। डर, चिंता या कोई भी नेगेटिव इमोशन जड़ से मिटाने के लिए हमें सबकॉन्शियस माइंड को नए भविष्य के लिए प्रोग्राम करना है, जहां डर पैदा करने वाले पुराने बिलीफ सिस्टम्स का उपयोग ही ना हो। कैसे करेंगे? सबसे पहले स्टेप वन, डिसाइड टू फेस द फियर। जब भी आप डर पैदा करने वाली स्थिति से आंखें चुराते हो या उसे टालते हो, तब आपका डर और बड़ा होता चला जाता है, क्योंकि आप दिन रात उसी बारे में सोचते रहते हो। जब आप आंखों में आंख डालकर डर का सामना करने का निश्चय भर करते हो, तब कुछ देर के लिए ही सही, आप मानसिक रूप से डर से आजाद हो जाते हो। इसलिए सबसे पहले डिसाइड करो कि जब भी डर की स्थिति प्रकट होगी तो मैं सामना करूंगा। जिस पल आप सामना करने का निश्चय करते हो, उसी पल आपकी सेल्फ एस्टीम या आत्मविश्वास बढ़ जाता है, आप साहस का वेग महसूस करते हो। अब हम इस साहस का उपयोग करेंगे। स्टेप नंबर टू, कैसे होगा इस बारे में मत सोचो। इतना कठिन गोल पूरा कैसे होगा? हम लोन कैसे चुकाएंगे? हाउ और कैसे के बारे में मत सोचिए, नहीं तो आप फिर चिंता के पैरालिसिस में फंस जाएंगे। कैसे होगा जब ये विचार प्रकट हो, तब स्टेप थ्री, रिकॉग्नाइज। नोट कीजिए कि आपने जो भी नया गोल सोचा है वो पैराडाइम्स के साथ, यानी पुराने बिलीफ सिस्टम के साथ मेल नहीं खा रहा, इसलिए सबकॉन्शियस के रिएक्शन के रूप में डर प्रकट हो रहा है। अब इनसे बिना लड़े स्टेप फोर, क्रिएट न्यू फ्यूचर। नए भविष्य का विजन बनाइए जहां आपने डर को पार करके लक्ष्य पूरा कर लिया है। ऐसा महसूस कीजिए कि यह पूरा हो चुका है, आप डर की स्थिति को बहुत आसानी से पार कर पाए हैं। सारी भावनाएं और इमोशन महसूस कीजिए। स्टेप फाइव, एक्ट एज इफ। भविष्य की पिक्चर देखिए, महसूस कीजिए कि आप वो इंसान हो जो आसानी से डर को पार कर गया है। आप वो इंसान हो जो आप हमेशा से बनना चाहते रहे। अभी इस इंसान की भावनाएं महसूस करो। ये गहरी और इंटेंस भावनाएं हैं जो नए भविष्य का संदेश सबकॉन्शियस तक पहुंचाएंगी। इसके लिए अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन और गोल कार्ड का प्रयोग कीजिए। ऐसा करने से आपकी बॉडी लैंग्वेज और थॉट प्रोसेस बदल जाएंगे। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं कि आप ऐसे बर्ताव करो कि डर का कोई अस्तित्व ही ना हो। स्टेप सिक्स, बी ग्रेटफुल। जिस मन में धन्यवाद होता है, उस मन में डर, संदेह और चिंता की जगह नहीं बचती। इसलिए अपने मन में धन्यवाद की भावना को इतनी ताकतवर बनाओ कि चिंता और डर आए फिर भी अपनी जगह ना बना पाए। जब आपको दुख या कष्ट होता है, तब अगर आप उस समय कई अच्छी बातों के बारे में सोचकर धन्यवाद दे सकें और सच में धन्यवाद महसूस कर सकें, तो तत्काल चीजें बदलना शुरू हो जाएंगी। बॉब प्रॉक्टर कहते हैं कि यह बहुत कठिन काम है, लेकिन जब हम मुश्किल में धन्यवाद महसूस करते हैं, तब हमें पता नहीं चलता, लेकिन यूनिवर्स का इंजन तत्काल काम करना शुरू कर देता है। स्टेप नंबर सेवन, बेहिचक एक्शन। कुछ समय या दिन बाद आपको डर की स्थिति से बाहर निकलने का मौका या आइडिया मिलेगा। बेहिचक वो एक्शन लेकर कंफर्ट जोन से बाहर निकल जाओ। इस बार डर आपको नहीं रोक पाएगा। दोस्तों इस बात को गहराई से समझो। फियर इज अ डेंजरस प्लेस। दुनिया लगातार बदल रही है। जो इंसान डर से जीतना नहीं जानता, जो खुद को बेहतर नहीं कर रहा, वो अपने आप पीछे हो रहा है, पुराने पैराडाइम्स की गिरफ्त में फंसता जा रहा है। इसलिए बॉब प्रॉक्टर चेंज योर पैराडाइम, चेंज योर लाइफ में कहते हैं कि सबसे खतरनाक, गंभीर और दयनीय स्थिति है डर। इंसान पूरा जीवन कंफर्ट जोन की दीवारों में कैद रहता है और हमेशा कमजोर और असंतुष्ट महसूस करता है। समरी, इग्नोरेंस वर्सेस अंडरस्टैंडिंग। डर पैदा होता है इग्नोरेंस से। हमें लगता है कि डर बाहर की स्थिति के कारण पैदा हो रहा है, लेकिन असलियत में सबकॉन्शियस में बैठे पैराडाइम्स हैं जो बदलना नहीं चाहते। अंडरस्टैंडिंग यानी डर को जोर जबरदस्ती से हराया नहीं जा सकता,
डर को लॉजिक से भी नहीं हराया जा सकता, क्योंकि सबकॉन्शियस के पास लॉजिक और चॉइस की शक्ति नहीं है। इसके पास जो संदेश गहरी भावनाओं के साथ जाते हैं वो इन्हें स्वीकार कर लेता है। लड़ने के बजाय हमें सबकॉन्शियस को नए भविष्य के लिए प्रोग्राम करना है, जहां डर पैदा करने वाले पुराने बिलीफ सिस्टम्स या पैराडाइम्स का उपयोग ही ना हो। स्टेप वन, डिसाइड टू फेस द फियर। डिसाइड करो कि जब ये स्थिति प्रकट होगी तो मैं डरूंगा नहीं। जिस पल आप डर का सामना करने का निश्चय करते हो, उसी पल आत्मविश्वास बढ़ जाता है। हम इस भावना का उपयोग करेंगे। स्टेप टू, कैसे होगा इस बारे में मत सोचो। जब यह विचार प्रकट हो तब स्टेप थ्री, रिकॉग्नाइज। नोटिस कीजिए, नया गोल पुराने बिलीफ सिस्टम के साथ मेल नहीं खा रहा, इसलिए रिएक्शन के रूप में डर प्रकट हो रहा है। अब इनसे बिना लड़े स्टेप फोर, क्रिएट न्यू फ्यूचर। नए भविष्य का विजन बनाइए, जहां आपने डर को पार करके लक्ष्य पूरा कर लिया है। ऐसा महसूस कीजिए कि यह पूरा हो चुका है। स्टेप तीन और चार को कम से कम दिन में एक या दो बार दोहराइए। स्टेप नंबर पांच, एक्ट एज इफ। देखिए, महसूस कीजिए कि आप वो इंसान बन चुके हो जो आसानी से डर पार करता है। आप वो इंसान हो जो आप हमेशा से बनना चाहते थे। आप ऐसे बर्ताव करो, आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी हो चुकी है जैसे डर का कोई अस्तित्व ही नहीं है। इसके लिए अफर्मेशन, विजुलाइजेशन और गोल कार्ड का प्रयोग करो। स्टेप नंबर सिक्स, बी ग्रेटफुल। जिस मन में धन्यवाद होता है उस मन में चिंता, डर, संदेह की जगह नहीं बचती। इसलिए मन में धन्यवाद की भावना को इतनी ताकतवर बनाओ कि डर चिंता आए फिर भी अपनी जगह ना बना पाए। स्टेप नंबर सेवन, बेहिचक एक्शन। कुछ समय या दिन बाद आपको डर की स्थिति से बाहर निकलने का एक आइडिया या मौका मिलेगा। बेहिचक वो एक्शन लेकर कंफर्ट जोन से बाहर निकल जाओ। इस बार डर आपको रोक नहीं पाएगा। किताब फियर नॉट बी स्ट्रॉन्ग में स्वामी विवेकानंद बताते हैं कि आंतरिक शक्ति कैसे प्रकट होती है। एक बार ये शक्ति प्रकट हो जाए तो बुद्धि, इंटेलिजेंस, साहस, ये सब अपने आप प्रकट होते हैं। इस वीडियो को अभी देखिए या बाद के लिए सेव कर लीजिए। इस वीडियो से भी आपको बहुत मदद मिलेगी। याद रखिए, आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।